हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी हरियाली चिकन, और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे आधा केजी चिकन लिया है, और उसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच दही, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और 2 मीडियम साइज का प्याज, दालचीनी, इलायची, तेज़पत्ता, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ग्रीन चिल्ली 2 या 3, और तेल चाहिए और नमक एज पर योर टेस्ट। पहले हम पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता और ग्रीन चिल्ली को एक पेस्ट बना लेंगे। आधा केजी चिकन को मैंने यहाँ पे धो लिया है, और उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 जीरा पाउडर और धनिया पाउडर को एक साथ डालेंगे। मैं धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा यूज कर रही हूँ यहाँ पे। जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच लिया है, और ये जो पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता और ग्रीन चिल्ली का हमने पेस्ट बनाया था उसको डाल रही हूँ। फिर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अभी हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। डाल के सारे मसालों को चिकन के साथ मैरिनेट करेंगे, इसको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे, और इसको कवर करके हम 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, सेट हो जाए मसालों के साथ। एक घंटे के बाद गैस पे एक पैन गरम करेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल लेंगे। मैंने रिफाइंड तेल लिया है, अगर आप चाहे तो घी या बटर ले सकते हैं। उसमें तेज़पत्ता, दालचीनी और ये इलायची डालेंगे। तुरंत बाद उसमें प्याज डाल देंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, और प्याज को थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करेंगे, जब तक प्याज का कलर जो है थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। प्याज का कलर ये चेंज हो गया है थोड़ा सा, फिर हम उसमें अभी डाल देंगे चिकन, मैरिनेट करके रखा हुआ सारा चिकन। इसको मैंने 1 घंटे के बाद फ्रीज से निकाल लिया था। मैं ये थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, अगर आप चाहे तो पानी ना डाले तब भी चलेगा। और इसको बिना ढके हुए कुछ देर ऐसे ही पकाना है। और इसको बीच बीच में चलाते रहिए, ताकि चिकन जो है नीचे ना लगे। अभी हम इसको कवर करके 15 मिनट तक पकाएंगे, और बीच बीच में उठा के इसको चेक करते रहिए। अगर आप ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा पतला चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दीजिए। चिकन मेरा हो गया है, अभी हम उसमें डाल देंगे गरम मसाला।
गरम मसाला डाल के उसको मिला देंगे अच्छी तरह से। और अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए रेडी हो गया हमारा हैदराबादी हरियाली चिकन। आप इसको ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट, कॉमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन टाटा बाय बाय।